नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी खलबली मची हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही कुछ सांसदों और विधायकों और मंत्रियों से जो फीडबैक आ रहा है उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि भाजपा की लीडरशिप जो है काफ़ी परेशान है, काफ़ी अपसेट है। केवल पार्टी ही नहीं, संघ भी चिंतित है। और कई दौर की बैठकों के बीच बातें हुई हैं। लखनऊ में 3 दिन की रिव्यू मीटिंग हुई, उसके बाद राधामोहन सिंह और जो वरिष्ठ भाजपा के नेता है बीएल संतोष, उनको भी काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी चिंता व्यक्त की। भाजपा संघ के मंथन और रिव्यू बैठकों में जो एक बात निकल के आती है वो ये है कि योगी कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर के चलने में थोड़ा सा पीछे है। ठाकुर जाति से हैं वो आदित्यनाथ योगी, और ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले योगी के सामने गैर ठाकुर खुद को कम होता हुआ देख रहे हैं। और सांसदों और विधायकों का भी यही कहना है कि सीएम उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं। ये बात कोरोना काल में और भी ज्यादा बढ़ गई। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना और भी ज्यादा हो जाती है। इवन भाजपा के ही लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार इस तरीके के अपडेट करते हैं जिससे ये लगे कि वो अपने जो नेतृत्व है उससे नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच आज आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में लगभग 80 मिनट की मुलाकात होती है, और ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में आने वाले जो चुनाव हैं और जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उस पे उनकी बातचीत का फोकस था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करीब जब 1.25 घंटे तक बात करते हैं और वो बातचीत खत्म होती है, तो उसके बाद दोनों नेताओं की मीटिंग की एक तस्वीर भी ट्वीट की जाती है। अब सवाल ये है कि 2 दिन का जो उनका दौरा था, कल लगभग वो 3:30 बजे दिल्ली पहुंचते हैं और मुलाकातों का दौर चलता है, और आज उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर ली है। ये सब मुलाकातें अभी शाम तक चलती रहेंगी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या योगी के सिर पे बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने हाथ रखा है, क्या योगी मजबूत होकर लौट रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एक तरफ यूपी बीजेपी में सियासी हलचल की खबरें हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात के बाद ये कयास लगाना शुरू हो गया है कि पीएम मोदी और सीएम मोदी के बीच जो इतनी लंबी मुलाकात चली है, आमतौर पे मोदी किसी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री ने यूपी के सीएम को इतना टाइम दिया है, इतना वक्त दिया है, तो यकीनन योगी जो हैं कुछ मजबूती लेकर के ही अपने प्रदेश में लौटेंगे। तो ये थी खबर मोदी और सीएम की मुलाकात के बारे में। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर अपडेट से अवेयर कराती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।